माय चैनल। मैं हूं शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। तो गेंदे के जो फूल होते हैं वो फेस्टिवल में एक अलग ही कलर ऐड कर देते हैं, एक वाइब्रेंट कलर ऐड कर देते हैं। और गेंदे के फूल की जो महक होती है ना, उससे एक फेस्टिवल जैसा एक महक आने लगता है पूरे घर में। कई बार हम लोग गेंदे के फूल लेके आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि इसको कैसे डेकोरेट करें। बहुत सिंपल सिंपल डेकोरेशन आपने देखे होंगे कि जस्ट ग्लास में रख दो या उसकी जो लड़ी होती है उसको लगा दो। लेकिन जो गेंदे के जो अलग अलग फूल होते हैं ना, उनको कैसे हम घर में अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं या उससे हम क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं, सेंटर टेबल पे कैसे सजा सकते हैं या फिर कहीं पे भी आपको साइड में उसको अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी। 3-4 बहुत ही क्विक अरेंजमेंट दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे किया है और आपको भी देख के बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको इन आइडियाज से अपने मन में भी बहुत सारे आइडियाज आएंगे। तो ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गेंदे का फूल तो ज्यादातर लोग अपने घरों में एक लड़ी में डेकोरेट करते हैं, जो लड़ी मिलती है ना माला जैसी, उसमें डेकोरेट करते हैं। लेकिन अगर बाय चांस किसी फ्लावर में डंडियां वगैरह होती हैं तो अगर उसको आप फ्लावर वॉश में लगाइए तो वो बहुत ही बेकार लगता है देखने में। और क्योंकि जो फूल होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं तो उनकी डंडियां अक्सर टूट जाती हैं और इस तरह का अरेंजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक टी लाइट होल्डर है, ये क्रैकल ग्लास का टी होल्डर है और जितने भी डेकोर लविंग लोग होते हैं उनके पास ये ज़रूर मिल जाता है। तो इसके ऊपर आज एक फ्लावर का अरेंजमेंट करके दिखाती हूँ। तो उस अरेंजमेंट के लिए मैंने सेलो टेप लिया है, ये पतला वाला सेलो टेप लिया है और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी सेलो टेप्स को। और कुछ इस तरह से देखिए, बीच में गैप छोड़ते हुए हमें करना है जितने भी इसमें लेयर्स आ जाए। अगर आपके पास बड़ा गमला है या बड़ा फ्लावर पॉट है तो उसमें भी आप सेम मेथड से आप कर सकते हैं। और देखिए, आपको बीच में जरा गैप्स दिख रहे होंगे, इस तरह से मैंने टेप्स लगा दिए हैं क्रॉस कर करके। और अब जो ये जो होल्स है ना, छेद है ना, इसमें मैं ये फ्लावर्स डाल रही हूँ। मेरे पास गेंदे के फूल है तो मैं गेंदे के फूल से आपको करके दिखा रही हूँ, नहीं तो आप कोई भी फ्लावर जिसके संग स्टिक हो आप कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को करने से एक बहुत ही अच्छा फायदा है कि एकदम बंद के एक बुके जैसा बन जाता है और देखने में तो अच्छा लगता ही, ये बहुत ही प्रिटी लगता है। और साथ में जैसे ये टी लाइट होल्डर है, इसमें तो हम लोग जनरली कैंडल्स ही लगाते हैं पर उसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये आइडिया अच्छा है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हम आराम से पानी डाल सकते हैं जिससे कि फ्लावर जल्दी मुरझाएगा भी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। तो देखिए, ये अरेंजमेंट मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। फ्लावर्स को हमें बहुत ही टाइटली लगाना है जिससे कि काफ़ी अच्छे से बंध के वो आ जाए और इस तरह से ऐसा लगता है ना बहुत भरा हुआ है। तो बहुत प्यारा ये अरेंजमेंट मुझे लगता है, ये किसी भी जो है डेकोर के साइड में रखने के लिए ना बहुत प्यारी चीज़ है। ऐसे करके रखिए और एकदम से ब्राइटनेस ऐड कर देता है। जितना ब्राइट कलर होगा फ्लावर वॉश का वो उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट के लिए देखिए, मैंने इस तरह की एक बॉटल ले ली है। ये बॉटल जनरली जब हम लोग बैम्बू प्लांट खरीदते हैं ना, पानी में जो लगाने वाले प्लांट्स होते हैं उसके साथ में ही मिलती है, या इस तरह का आप कोई भी क्लियर ग्लास वाला फ्लावर वॉस ले सकते हैं, या कोई बड़ा आपके पास ग्लास हो ना उसका भी आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, या मिल्क बॉटल आती है ना उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो स्पेस है उसमें ये टी लाइट होल्डर आराम से फिट हो रहा था तो वो मैंने इसमें रख दिया क्योंकि वो कंट्रास्टिंग कलर है तो ज़्यादा खिल के आ रहा था। और साथ में इसको हम जहाँ पे रखेंगे, मेरे पास इस तरह की पॉम-पॉम की लड़ी है तो उस लड़ी को मैंने चारों तरफ से ऐसे रोल कर दिया है जिससे कि देखने में एक काफ़ी अच्छा कलर्स का, जैसे एक होगा ना कलर कंट्रास्टिंग कलर्स के साथ में एक बहुत ही सुंदर सा डेकोर लग रहा था ये। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं साइड टेबल्स पे या बेड साइड पे रखने के लिए, या अपनी रंगोली में साइड में रखने के लिए इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। बालकनी में ये बहुत ही सुंदर लगता है और जो बालकनी में रात के समय थोड़ा डलनेस होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट वाइब्रेंट कलर वहाँ पे ऐड करता है। और इसको आप आराम से करके और रख सकते हैं, सेफ भी है और अच्छा भी लगता है।
तो पहले मैंने आपको जो दिखाया वो बालकनी में था, और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो रूम में है। तो जैसे कि अगर इस तरह का कोई टेबल का सेट है आपके पास, तो कई बार समझ में नहीं आता कि टेबल पे क्या अरेंजमेंट किया जाए, उसको कैसे सजाया जाए, तो इस तरह से आप करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर की ट्रे यूज़ की है, ये थोड़ी सी खराब सी लग रही थी मुझे, तो मैंने उसके ऊपर ये जो पॉम-पॉम की लड़ी थी ना, इसी को रैप कर दिया है। तो ये काफ़ी, देखिए वो जो खराब पोर्शन था ना वो हाइड भी हो गया है, और साथ में देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और दिवाली तो कलर का ही त्यौहार होता है, जितने ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स डेकोर में यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो डेकोरेशन है उसके लिए भी मैंने इस तरह का एक टी लाइट कैंडल होल्डर ही इस्तेमाल किया है। ये लालटेन भी इसको बोलते हैं, लालटेन शायद ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। और ये देखिए इसको हैंग करने वाला भी ऊपर बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कैंडल भी जला सकते हैं, फेरी लाइट्स वगैरह भी रख सकते हैं, पर वो तो अब थोड़ा सा बोरिंग मुझे लगने लगा है। तो मैंने नई एक डेकोरेशन सोचा कि इसके अंदर मैं इस तरह से येलो फ्लावर्स भर, क्योंकि ये कॉपर कलर में है, तो मैंने येलो फ्लावर्स यानी गेंदे के फूल इसमें भर दिए, और इसको काफ़ी अच्छे से टाइटली पूरा फिट कर देंगे, जितने ज़्यादा हो सके आ सकते हैं उतने ज़्यादा फिट कर देंगे इसके अंदर, और फिर इसको जैसे लॉक करते हैं वैसे मैंने लॉक कर दिया है। अब इसको यूज़ करने के बहुत सारे मेथड हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा भी लगता है, प्लस इसमें जो फ्लावर्स है ना वो जो जगह है ना उसके लुक को एकदम इन्हांस कर देता है। तो आप किसी साइड में आपके कोई रैक वगैरह हो वहाँ पे आप रख सकते हैं, कोई टेबल के कॉर्नर पे रख सकते हैं, और या फिर कहीं पे आपको इसको हैंग करना तो आप ऐसे सिंपली हैंग भी कर सकते हैं। और ये ऐसे ही देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ तक कि आप इसको अपने सेंटर टेबल पे भी थोड़ा वाइब्रेंट कलर ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर टेबल के लिए देखिए मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया, एक मेरे पास ये आर्टिफिशियल प्लांट है और इसमें भी मैंने जो बचे हुए गेंदे के फूल थे ना वो लगा दिए हैं, और एक बड़ा सा एक कैंडल होल्डर रख दिया है, और साथ में जो मैंने अभी टी लाइट होल्डर जो बनाया ना फूल रख के, तो वो भी मैंने उसके साथ में रख दिया है। साथ में मैंने यूज़ किया है एक वुडन ट्रे, क्योंकि मेरा जो टेबल है वो वुड का है, और या गोल्डन ट्रे हो तो आप वो भी रख सकते हैं। और एक टाइप और है कि जो मैंने आपको पॉम-पॉम वाला जो लड़ी दिखाई थी ना, इस पर भी देखिए मैंने इस तरह से इसको हैंग कर दिया है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी हैंग करने के लिए, वॉल के अगेंस्ट हैंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो कर्टन का रॉड होता है ना उसके ऊपर हैंग किया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फिलहाल एक है तो मैंने एक हैंग किया, नहीं तो यहाँ पे तीन भी आप हैंग कर सकते हैं, और कर्टन्स के ऊपर भी उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। इसको हैंग करने के लिए आप गेंदे की लड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप लाइट भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, क्योंकि वो फेस्टिवल का जो लुक होता है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे पास ये पॉम-पॉम की लड़ी थी तो मैंने इसके ऊपर हैंग किया, और ये काफ़ी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये मैंने सोचा कि अगर मुझे इस तरह का लालटेन अगर एक और मिल जाए ना तो मैं और भी इस तरह के हैंग करके लगा सकती हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फ्लावर वॉस में अगर गेंदे के फूल को लगाओ तो बहुत ही बेकार लगता है, देखिए एक तो फूल हैवी होता है, उसकी डंडियाँ पतली होती है, तो अक्सर वो टूट जाती हैं डंडियाँ और वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाया कि इसको कैसे अच्छी तरह से हम हैंग लगा सकते हैं। तो मैंने ये कुछ इस तरह की ब्रूम स्टिक्स ले ली हैं, और ये जो ब्रूम स्टिक है मैंने कोशिश की जो आगे का जो पतला वाला पोर्शन होता है ना वो लिया है, जिससे कि मुझे ना थोड़ा सा बाउंसी लुक उसमें चाहिए। तो इस तरह से मैंने हर फ्लावर के पीछे से स्टिक को प्रिक कर दिया है, और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं सारे स्टिक्स के ऊपर और ये फ्लावर्स लगा लेती हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा फ्लावर पॉट है, मैंने फ्लावर पॉट के ही साइज के हिसाब से स्टिक लिया है। अगर आप बड़े फ्लावर पॉट में करना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा स्टिक भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने
इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स है ना, ये अलग अलग साइज की स्टिक्स मैंने ली है और ये मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। लग रहा है ना प्यारा? और ये अरेंजमेंट मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा मुझे लग रहा था कि लिटरली लग रहा था कि इसमें जो स्टिक्स है ना, जो ब्रूम स्टिक्स लगाई हैं, उनको आप कलर भी कर सकते हैं, या कुछ कोई पेड़ आपके गार्डन में हो जो सूखा हुआ हो तो उसके ऊपर भी आप गेंदे के फूल लगा सकते हैं, या इस तरह का देखिए एक आइडिया देखिए कि बहुत सारे सूखी हुई डंडियां एक गमले में लगाई और उसके ऊपर भी हम ये जो अपने गेंदे के फूल है ना उनको लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा अरेंजमेंट लग रहा था मुझे। और साथ ही एक और आइडिया मैंने लगाया कि इस तरह का एक गमला लिया जिसमें मिट्टी अंदर थी, तो मैंने उसमें ही वो स्टिक्स को मैंने प्रिक कर दिया, तो ये भी अरेंजमेंट मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और ये इसको अरेंज करने के लिए मैंने एक गोल्डन ट्रे यूज की है, उसी में इस पॉट को रख दिया है। तो जब मैं आपको ये सब बता रही हूँ ना, मेरे दिमाग में और भी जाने कितने आइडियाज चल रहे हैं जो कि मैं आगे आपसे अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी, तो इसलिए बिल्कुल भी ब्लॉग्स को मिस मत कीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे आइडियाज और डेकोर के आइडियाज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप उस वीडियो को मिस ना करें। ये वाला अरेंजमेंट तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा और बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में जो मैंने फ्लावर बॉक्स में आपको दिखाया उसको हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको दिया है। गेंदे के फ्लावर वाकई में बहुत अच्छे थे। एक तो उसकी खुशबू बिल्कुल फेस्टिवल वाला जो फ्रेग्रेंस होता है ना घर में चारों तरफ फैला देती है, और दूसरा चीज़ है कि जो उसका कलर्स होते हैं वो बिल्कुल ही एक डल कॉर्नर को बिल्कुल ही ब्राइट और वाइब्रेंट कर देता है। तो मुझे गेंदे के फूल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर गेंदे का फूल आप नहीं भी यूज़ कर रहे तो आप कोई भी फूल से इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने सेंटर टेबल के ऊपर इसको अरेंज करके आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, और एक सिर्फ एक फ्लावर पॉट से ही पूरा टेबल अच्छे से भर गया था। नेक्स्ट अरेंजमेंट के लिए मैंने यूज़ किए हैं 3 डिफरेंट वाइन ग्लासेस। ये तीनों अलग अलग लेंथ के हैं, तो 3 अलग लेने से क्या होता है कि मतलब कि उसका लुक ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके अंदर मैंने फ्लावर्स डाल दिए हैं, और जो इनका बेस होता है उसके ऊपर भी मैं कुछ कैंडल्स ऐड करूंगी। साथ में मेरे पास एक्रेलिक की एक रंगोली थी, तो वो रंगोली मैंने आगे रख दी है जिससे कि जो टेबल है ना उस पर वो पूरी तरह से भर जाए। और एक तो ये रंगोली काफ़ी कलरफुल सी है, बहुत ही प्यारी रंगोली है, और साथ में इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके साथ में। तो साथ इसके साथ जो इसका लुक है ना उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ इसमें टी लाइट होल्डर्स भी रख दिए हैं, जो ग्लास का बेस है ना उसके ऊपर कैंडल्स के ऊपर मैंने कैंडल्स रख दी हैं, और साथ उनको जब लाइट किया ना तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। आप इसमें कुछ भी प्लस माइनस भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास टी लाइट होल्डर्स नहीं है तो आप एक कटोरी में पानी लेके और उसमें भी कुछ फ्लावर्स डाल के और फ्लोटिंग कैंडल्स भी रख सकते हैं, और बहुत तरह के इसमें लुक्स हैं जो आप कर सकते हैं। आसपास में कुछ गुलाब के जो पेटल्स होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। एक्रेलिक रंगोली अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो आप जो नॉर्मल जो पाउडर रंगोली होती है ना वो भी थोड़ा सा बना के और उसके ऊपर भी इस तरह से अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। तो आज जो
मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया ना, उसमें ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। इस गमले में मैंने कई बार कोई पेड़ लगाने की कोशिश की है और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये जो आइडिया मैंने लगाया है ना, ये सचमुच मुझे खुद भी इतना पसंद आ रहा है कि जब चाहे तब इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते। अब मैं जब दिवाली ओवर हो जाएगी तो शायद आर्टिफिशियल फ्लावर्स ला के भी मैंने इस तरह का ही अरेंजमेंट करके रखना है। और ये पूरे सेंटर टेबल में ना इतना अच्छा लगता है कि इसको देख के बस इसके पास में आप कैंडल्स जला दीजिए या फिर आपके पास कुछ और डेकोरेटिव्स हो तो वो किनारे किनारे रख दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है ये आपको मुझे बताना है, आपको सबसे अच्छा अरेंजमेंट कौन सा लगा है ये आपको मुझे बताना है। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अगर आपको आज के अरेंजमेंट कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं, तो लाइक दे दीजिएगा। और मैं मिलूंगी इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।